मामला आईनी तरमीम का है और आज मौलाना फजल रहमान साहब से आपके पीटीआई के वफद भी मुलाकात अभी कर रहे हैं, कुछ देर पहले तक की ये खबरें थी। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी मौलाना फजल रहमान से, और आपके ख्याल में आज मामला क्लियर हो जाएंगे? देखिए, मेरा अपना तजिया ये है कि एक होती है पॉलिटिकल पार्टी जैसे JUI है और वो लेट से 12 15 16 सीटें जीतती हैं और हुकूमत के साथ नेगोशिएट करती है, हुकूमत को सपोर्ट करती है और दो या तीन या चार पोजीशंस लेके कि भाई मैं ये करता हूँ और आपको सपोर्ट कर दूंगा, वो बात समझ में आती है। वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है बजाय ऑपोजिशन में बैठने के। आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाओ, आप काम भी करा लोगे, अपने लोगों के लिए भी करा लोगे और आप कुछ मिनिस्ट्रियों में कुछ रोल भी प्ले अदा कर सकते हो, समझ में आती है। दूसरी चीज आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें मौलाना साहब ये देखेंगे और मौलाना साहब का एक स्टांस है, वो स्टांस ये है कि जो उनकी पार्टी के हर एक बंदे ने भी बार बार रिपीट किया है, हर चैनल पे रिपीट किया है कि ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है, इनके पास मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है कि ये हुकूमत करें, लेट अलोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें। अब मौलाना साहब शायद बास चीजों के साथ एग्री करेंगे और कहेंगे कि हाँ इसके साथ ये है, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंडर होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेरणा उनका एक पॉइंट। तो लेकिन मौलाना साहब इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करें और वो भी तब के जब उनके वालिद साहब ने 73 के आईन बनाने में काम अदा किया था और ये जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग को भी फरोग मिल रहा है और सारी चीजें, मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान इससे एब्सटेन करेंगे। नहीं, वो आप इस कैंप मौलाना फजल में रहमान साहब के वालिद साहब ने तो किया था, लेकिन बिलावल के तो नाना थे और बिलावल साहब तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस आइन के तहत। अभी अभी कुछ जो इतलात अभी आ रही हैं उसमें आपके ही पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा एडवोकेट, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि कौम को खुशखबरी मिलेगी, मौलाना फजल रहमान ने कौम को बचा लिया है, हुकूमत आइनी तरमीम नहीं करा सकेगी, हमारे तमाम अरकान महफूज हैं और हमारे साथ रबते में हैं। तो अख्तियार वली साहब, लगता है कि मौलाना फजल रहमान ने तो कौम को बचा लिया है आपकी आइनी तरमीम से। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब अपनी जगह पे बात जो करते हैं वो ठीक कहते होंगे, उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन आईनी तरमीम को आप ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकते और आईनी तरमीम आ भी जाएगी और वो पास भी हो जाएगी। नहीं, आईनी तरमीम आएगी तो रुकेगी ना, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या है, आपको पता है क्या ड्राफ्ट है, मज़े की बात आपको तो ये पता है, है। मज़े की बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं पता तो फिर हाँ, आपको कैसे पता कि उसमें क्या है, फिर सेनेटर साहब को क्या पता है कि उसमें क्या है, देखिए फिर अभी तक हामिद जो खान बयान साहब को आए क्या पता ना, है कि इसमें आपने क्या ड्राफ्ट है। पढ़ा है? आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा आप हुक्मरान इत्तेहाद के हैं ना, मैं पढ़ा है। आपने ड्राफ्ट पढ़ा मैं है, आप देखिए उसे शेयर क्यों नहीं करते, मतीला साहब मेरी उसे बात लोगों के सामने सुने, क्यों नहीं मेरी बात रखते, सुने, अपने मेरी बात वोटरों के सुने, सामने, अपने रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सामने, लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे, क्या छुपा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब भी आती है, जब भी बिल आता है तो वो सबसे पहले असेंबली में पेश होता है, उसके बाद उस पर डिबेट शुरू ये होती है। डिबेट डिस्कशन तो किसी वक्त भी हो सकती है, सर तो तजावीज के तौर पे कह रहे हैं ना कि आप कह सकते हैं बतौर हुकूमत की ये अगर तजावीज हैं, अपनी राय दें मुझे वहां। बताएं उसमें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब इस तरह आती है जिस तरह 18वीं तरमीम आई थी, ये आप लाते हैं 10 तरमीम, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में 10 तरमीम लाते हैं, वो कभी बढ़ के फिर अच्छा 15 भी अठारहवीं बन एक सेकेंड जाती है। 18वीं तरमीम कितने अरसे में पास हुई थी? मेरे ख्याल में महीने लग गए थे उसमें, महीने नहीं, 8 9 महीने, तो वही कह रहा हूँ ना, महीने लग गए, ठीक है ना? और साहब ये आप इसमें कितने घंटे में करने लगे थे? इसमें हमने किया कोशिश की, आप नहीं हो सके बंदे मौलाना साहब नहीं मिले, नहीं, वरना उसी रात 13 14 की रात को आप कर आप चुके थे। हमारे भी आप पे क्यों फैसला करते नहीं, हैं, हम उधर हम पार्लियामेंट तो में एक थे घंटे में जो सब कुछ कर करने रहे थे, नहीं, हम ऐसा उधर ही नहीं, थे सारे। ऐसा नहीं है जी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आती है तो वो सबसे पहले देखिए पार्टी के लीडर्स के साथ शेयर होती है, पार्टी के लीडर्स के बाद फिर उनकी पार्लिमानी पार्टी के साथ शेयर होती है, हर एक मेंबर को दी जाती है, उसमें फिर पार्टियां अपनी तजावीज तजावीज ही देती होती हैं है ना। कि आप हाँ, इसमें हम इसके साथ एग्री करते हैं, इसके साथ कोई एक जिससे ड्राफ्ट बता दें जो आप कहते आप हैं कि सुनते नहीं है छह, ना, यही आपका बता कमाल दें है, कौन से कितने आर्टिकल हैं ये आपके पास जो आपका ड्राफ्ट ये है। शक जो है ये हम मानते हैं, इसके साथ साथ चलते हैं, इसके साथ नहीं चलते हैं, फिर ये डिबेट शुरू हो जाती है। अब
हमारा जो काम है वो इसी सिलसिले से गुजर रहा है। हमें JUI भी अपने इनपुट दे रही है, पीपल्स पार्टी ने भी दे दी, और मजे की बात बताऊं कि ममन साहब की पार्टी भी अपना इनपुट दे रही है। अच्छा चलें, हाँ। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ममन साहब से भी जानते हैं क्या इनपुट दे रहे हैं और फिर इसका क्या आउटपुट होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि PTI के कुछ रहनुमाओं से रابطہ हो सके जो मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, और JUI के भी जो रहनुमा हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं रابطہ करने की। एडवोकेट हामिद खान और एडवोकेट सलमान अकरम राजा का बयान तो डेफिनेटली आया है और वो बड़े होपफुल हैं, मगर इतलात यही हैं कि PTI के वफ़ ने बाहर आके मीडिया से बात की है और JUI की तरफ से अभी तक मीडिया से किसी ने खिताब नहीं किया। मगर आज का दिन और आज की रात बड़ी क्रूशल है, और आज ही के दिन ये कहा जा रहा था कि JUI की तरफ से जो भी आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है या मतबादल मसवदा है वो मंजरेआम पे भी आएगा, जिससे सूरत हाल वाज़े होगी कि हुकूमत के लिए आइनी तरमीम के अंदर क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। तो इसी सिलसिले में हमारी कोशिश है कि हसनात मलिक साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनसे भी हमने रابطہ किया। असनात मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है? आज रात तक तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब का मौकफ जो है एक ड्राफ्ट की सूरत में वाज़े तौर पे आ जाना चाहिए था, क्या अपडेट है? देखिए मुजलजन साहब, हालात तब्दील होना शुरू हो गए हैं 7 तारीख से। अब हुकूमत के अंदर भी जो है वो ये डिलीब्रेशन हो रही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए या ना बनाई जाए, क्योंकि जो लीगल माइंड है हुकूमत के वो यही सजेशन दे रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा, बहुत प्रेशर आ रहा है वकला की तरफ से और ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा। तो अब ये है कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आइडिया ड्राफ्ट कर दें। आज भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी हुकूमती हल्कों की, और उसमें यही होना था कि जी अगर हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनाते तो क्या आईनी तरमीम फिर करनी है, क्योंकि इतलात ये है कि ये भी है कि सेंस शो करनी है, आईनी तरमीम करनी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पैनल यानी हो ताकि पैनल से कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट करें। अगर मंसूर अली शाह को अपॉइंट भी करना है तो कम अज कम अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर भी हम करें। तो अब ये है कि देखना है कि क्या एक हुकूमत का जो सेक्शन है वो चाह रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते हो जाए, तो अब देखना है कि क्या उनका नोटिफिकेशन अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये मामला सारा खुशसुबली से हल हो जाएगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो बगैर ये लगेगा कि फिर हुकूमत अभी भी आईनी तरमीम और उसमें मंसूर अली शाह को माइनस के लिए इरादा रखती है। हसनात मलिक साहब, ये जो आपने एक बात की है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करना भी है तो उनका तरीका इंतखाब जो है या तैनाती का जो तरीका है वो आइनी तरमीम के जरिए किया जाए पैनल में से, और नाम उन्हीं को मुकर्रर कर दिया जाए, तो इससे ये नहीं होगा कि फिर अगर इस आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया तो फिर जैसे मंसूर अली शाह तो अपनी तैनाती के हवाले से तो केस नहीं सुन सकेंगे, तो क्या ये भी एक चाल है, ये भी एक ट्रैप है जैसे मंसूर अली शाह को किसी भी ऐसे बेंच से आउट करने का कि जिसके सामने आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा सकता हो? देखिए ये भी हुकूमत की कोशिश है कि अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होता है तो फिर ये आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल, और ताकि असल मामला जो है वो ज्यादा जैसे मुनीब अख्तर के हवाले से है जो अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब के पास। दूसरा ये है कि अब हुकूमत ने सारे कार्ड अपने ओपन किए तो बगैर ये लगता है कि हुकूमत इस तरह तो नहीं अपने कार्ड यानी आईनी तरमीम के हवाले से कम अज कम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी कि हाँ जी हमारे पास नंबर पूरे थे। तो अब लेकिन ये बात अब मौलाना फजल रहमान साहब की अब क्या पोजीशन होगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए इतलात तो यही है कि उनका जो मुसवदा है वो अब हुकूमत तक पहुंच गया है और वो पब्लिक भी हो जाएगा, वो उनके हवाले से यही बात हो रही है कि मौलाना साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले तो वो कह रहे थे कि आईनी अदालत बनाए, अब मुतजाद आ रहा है कि जी वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो,
क्योंकि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये हुकूमत भी पीछे हटी है मौलाना साहब का भी जो रवैया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो उनका मुसवदा है उसमें क्या एग्जैक्ट चीज आती है। ठीक, हमारे साथ अख्तियार वली भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अख्तियार वली साहब, आपने सुन लिया मौलाना साहब जो हैं वो आइनी अदालत के हवाले से, तो ये इतलात तो यही है कि वो शायद लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, ये जो आइनी अदालत है इस पे तकरीबन पाकिस्तान की जितनी बड़ी जमातें हैं वो सब कायल हैं। अच्छा जी, कायल हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। मौलाना फजल रहमान भी मान गए, उन्होंने कोई कमिटमेंट दी है या आपने उनको कोई कमिटमेंट दी है? ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरे ख्याल में मौलाना साहब खुद ही थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, वो ऐलान कर ही लेंगे। अच्छा, क्या ऐलान करेंगे सर? जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप सुना है उनका आपको पता चल जाएगा। अच्छा। लेकिन इस चीज़ को इतना डिस्प्यूटेड क्यों बनाया जा रहा है? ये तो बड़ी एक सिंपल सादा सी बात है कि अगर आपकी आईनी अदालत वफाकी बन जाती है तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा लाइटर हो जाएगा, उसके कंधों से बोझ कम हो जाएगा। और ये मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद ये ख्याल क्यों आया आईनी अदालत बनाने का? ये तो 2008 से नहीं, ये बिल जो आया तरमीमी, ये क्यों अभी अचानक इतनी जल्दबाजी में क्यों 25 के बाद? इसके साथ नथी करते हैं तो फिर ये बताइए कि जब मखसूस नशस्तों का ये आईनी तरमीम की बात हुई थी तो मखसूस नशस्तों का फैसला क्यों वक्त से पहले आ गया और फिर उसकी वजाहत क्यों होने लगी? तो फिर हम वो तो पेंडिंग था ना, तो ये भी पेंडिंग, कितने अरसे से सुन रहे, ये भी पेंडिंग था, ये भी पेंडिंग था, वो भी पेंडिंग था। टाइमिंग की अगर आप बात करेंगे तो फिर बात एक तरफ से नहीं, फिर दूसरी तरफ से भी देखें, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। बहुत सारे आपके साथ हैं, जो लोग पाकिस्तान के साथ हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कल्चर मजबूत हो, आईन महफूज हो और उसके साथ खिलवाड़ ना हो, वो नून लीग में शामिल हो जाए सारे, वो सारे एक साइड पे खड़े होंगे। अच्छा, एक साइड पे खड़े होंगे पाकिस्तान के सब जलाली पर, नून लीग के साइड पे खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ। अच्छा ठीक, हमारे मोहम्मद साहब आपका वफद भी मिला है आज मौलाना फजल रहमान साहब से, तो आपके ख्याल में मौलाना साहब आपके साथ खड़े या नून लीग के साथ खड़े? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इसको करेंगे। रही बात जो आप दरमियान में कह रहे थे कि मौलाना साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की, अगर मैं मौलाना साहब की जगह बैठा हूँ और मैंने एक फैसला करना है, पर इसके एंड में मुझे ये पता चले कि लोग कहेंगे कि मौलाना साहब ने बचा लिया है इस किस्म की बात, तो फिर मैं अपना क्रेडिट किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। फिर मैं उसके साथ तो फिर लगेगा ऐसे कि इनके कहने पर मैं कर लिया, फिर मैं अपना अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग दूंगा, सो दैट आई टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ इट। रही बात दूसरी बात, देखिए, जब आप कोई इस किस्म की आईनी चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, इतने बड़े तादाद में लेकर आते हैं जो कि एक नक्शा बदल रहा है, इसका तरीका ये नहीं होता कि आप लाएं और आपने छुप छुपा के दो दिनों में देखा कि होता नहीं होता, या फिर आपने अपने कैबिनेट में पेश किया पास होगा तो उधर, ये आप सबसे पहले अवाम को बताते कि मैं ये करना चाह रहा हूं, और उस बेसिस पे नॉर्मली लोग वोट भी लेते हैं, उस बेसिस पे लोग अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकली उसको लेकर आते हैं, हर एक से बातचीत करके। साल लगा था 18वीं तरमीम में, एक साल लगा था, लेकिन जो बाकी जो के जब एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू चीज आती है तो 19वीं तरमीम के लिहाज से हुआ था, जो कि चंद दिनों में महीने के अंदर अंदर हो गया था, और सब आज कहते हैं कि वो गलत हुआ था। देखिए, आपने जब इस किस्म की चीजें करनी है तो आपने एक देखना होगा कि इसका फायदा क्या है। अब रही बात ये कि ये जो कहते हैं ना कि हम इसमें लेकर आ जाएंगे और एक चेंज ले, और जस्टिस मंसूर अली शाह या जो भी चीफ जस्टिस है उसको एक हम पैनल के थ्रू करेंगे, सर ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स के टोटली मुनाफी है। आप कैसे एक जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर सकते हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को अपॉइंट करे? ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। चलें सर, और मुझे तो समझ नहीं आती कि ये नवासे बने हुए हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के, और ये कहते हैं कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लगा सकता? अरे खुदा के बंदे, थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की
एबीसी सीख ले उसमें एक बात करना चाहता हूँ जी, किस तरीके से होता है जी जी अख्तियार वाली साहब आप कुछ कहें। डॉक्टर साहब से ये पूछें कि सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, तो फिर तो सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट की होगी। लेकिन पार्लियामेंट में तंकीन तो हो सकती है, नहीं देखिए जमहूरियत में तो होता है, और ये तंकीन ही कर रहे हैं आप ज्यादा परेशान। मैं वो नहीं, मैं मानता हूं पार्लियामेंट में तंकीन, लेकिन अपोजिशन में रहकर तनकीद का ये मतलब नहीं है कि अब मैं यहाँ पे कुरान की आयत भी पढ़ूं तो उसमें भी ये गलत फतह डाले, मैं हदीस पढ़ूं कि उसमें भी गलत नहीं, नहीं खैर पार्लियामेंट पार्लियामेंट को आप पार्लियामेंट रहने दे, आप इतना आगे ना जाएं वली साहब, अख्तियार वली साहब आप नहीं जा रहे आगे, आप इतना ऐसे कंपैरिजन मत करें मजहबी नौयत के, मतलब पार्लियामेंट लोगों की है उस पर तनकीद हो सकती है, क्यों आप उसको। मैं असनाद मलिक साहब ये बताएं, ये जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जजों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी राय में, ये क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो, किस किस्म के कंट्रोल वो चाह रहे हैं कि जो एक चीफ जस्टिस करे, हालांकि बिलावल भुट्टो ने उसी कानून को पास किया जिसमें चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो एक रोल था वो ख़त्म किया गया और जजेस की कमेटी बनाई गई। देखिए मेरा ख्याल है कि वो उनका जो पूरी अगर वो सुने बात वो तो ये कह रहे थे कि जब ये कोई यानी जमीन की कोशिश होगी तो कहीं जजेस की तरफ से कोई आर्डर पास ना हो, कोई रिस्टेनिंग आर्डर की भी, तो उनकी तरफ उनका इशारा था कि जी ये फिर ये चीज रुकेगी नहीं कि वो, हालांकि मैं समझता हूँ जजेस तो कादी फैसल साहब से भी कंट्रोल नहीं हुए, जजेस को कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी नहीं हो चीफ जस्टिस में तो जजेस को क्या कंट्रोल करेगा। हाँ बिल्कुल ये बात, ये बात। अच्छा तो आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार नहीं होना चाहिए, और अभी तो हाई कोर्ट्स में भी पटिशंस आ गई हैं बार काउंसिल्स की तरफ से इस मुजवजा यानी तरमीम के खिलाफ, क्या सूरत हाल है जी? देखें वो जो पटिशंस हैं वो बड़ी, उसमें एक बात है कि जी जो मुसवदा है वो पब्लिक किया जाए, पब्लिक कंसल्टेशन की बात हो रही है। देखिए रोज कोई ना कोई तब्दीली हो रही है, जिस तरह आज मैंने बताया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आइडिया ड्राफ्ट किया जा रहा है, अब नया के पैनल की बात हो रही है, तो जब रोज ही चीज चेंज हो रही है, तो जिस दिन ये मामला रखा गया पार्लियामेंट में अतवार वाले दिन मुसद्दा जी अभी तक मिला नहीं, मुसद्दा उसी दिन आई नहीं। अच्छा असलाम मलिक साहब, असलाम मलिक साहब माजरे चाहता हूँ, कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो यूआई के रहनुमा हैं जी, कामरान साहब बहुत शुक्रिया, कुछ अपडेट देना चाहेंगे, कुछ तय हुआ है जी कामरान साहब, क्या तय हुआ आज? शायद आज मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कोई ड्राफ्ट पब्लिक होना था, तो वो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन करें, तो वो उसको फिर मजीद रिफाइन कर रहे हैं। अच्छा अभी टाइम लगेगा, एक आध दिन और लगेगा। और ये मजीद रिफाइन के हवाले से कुछ ऐसे इतलात भी है कि वफाकी आईनी अदालत के क्याम के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी है कि अब वो बेंच की शक्ल में सामने आएगा, कुछ एक आध चीज अगर आप बता सकें। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आप कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो जाहिर है दूसरी पार्टियों के साथ, मतलब हमारी तजवीज हो सकती है, आप इसको तजवीज के तौर पे कह सकते हैं। तजवीज क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली वो फिर मौलाना बताएंगे, मतलब जो भी होगी हमारी तजवीज होगी। सॉरी क्या चीज होगी? मैंने कहा जो भी होगा हमारी तजवीज होगी ना, मौलाना एग्जैक्टली बता देंगे एक आध दिन में। बहरहाल इस चीज पे गौर किया जा रहा है कि आईनी अदालत की जगह एक आईनी बेंच बना दिया जाए, ये भी जेरे गौर है, ये तजवीज के तौर पर, ये तजवीज के तौर पर ये बात जेरे गौर है, हो सकता है ये बात। चले बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, सहाफी प्रोग्राम को वक्त देने का, सहाफी प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।